अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मी गॉसिप गुरु, लेकिन मेरा नाम है फराजुद्दीन। आज के हमारे साथ बड़े जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। इन्होंने सर पे टोपी ऐसा लगाई हुई जैसे बहुत अदब वाले लोग हैं, लेकिन दूर दूर तक इनका अदब से कोई ताल्लुक नहीं है। जल्दी से आज का सेगमेंट शुरू करते हैं, जुमला मुकम्मल करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फटे हुए इंसान, फटे हुए इंसान नहीं यार, फटे हुए इंसान हो। ये तशद्दुद हुआ है मेरे पे। ये तुम क्या करके आए हो ये बताओ। क्या लोग कहते हैं यार, तेरी शक्ल ना मलिका शरावत से मिलती है, तो मैंने हरकतें ही मिला ली आज। अच्छा, तुम उनको जानते हो? किनको? वो एक है चश्मा लगाती है, बहुत बड़ी स्टार है। कौन सी स्टार है? बहुत बड़ी स्टार है और चश्मा लगा की फिल्म बनाती है। वो मेहनत करती है बहुत मेहनत करती है। पैसे कितने लेती है? लाखों में लेती है, डॉलर्स में लेती है। अच्छा, डॉलर्स में लेती है। और क्या, बड़ी मशहूर है। लेकिन उस फिल्म के अंदर सेंटेंस नहीं होते, जुमले नहीं होते, लेकिन फिल्म होती है, रिलीज भी होती है, आवाज भी आती है, लोग देखते हैं। अबे भाई, उसके लिए आपको पूरा प्रोटोकॉल चाहिए देखने के लिए, ऐसा आप देख नहीं सकते। क्या है, फिल्म है? अकेली होती है वो? अबे सब साथ होते हैं ना, पूरी कास्ट होती है ना फिल्म में। सीन में कितने लोग होते हैं उसके साथ? कभी तीन होते हैं, कभी दो होते हैं, कभी चार होते हैं। चार भी होते हैं? हाँ भाई, चार भी होते हैं। क्रूस में काम कर रही है बच्चे। अच्छा, आप अपना सेगमेंट मुकम्मल करें। फटे हुए कपड़े को पहन कर आए, इतने बड़े तुम शो में आए हो यार। यार करोड़ खरबों रुपए का सेट लगा हुआ है। ये मैं लड़कियों के लिए नया डिजाइन लाया ईद का। लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी ईद पे? क्यों? देखो, खुला वेस्ट टॉपिंग सूट है ये। अगर ये सूट पाकिस्तान में तुमने पहना दिए ना लड़कियों को, तो फिर तो बचने वाले नहीं हो बिल्कुल भी। अब सब पहनती हैं भाई, ये सब छप्पड़ में हमने देखा, सब पहन रही होती हैं। अच्छा, तुमने छप्पड़ में देखा है। अच्छा चले, आज का सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करो। मैं आपको एक चीज कहूंगा, आगे से आपको बतानी है। इसमें मतलब रुकना है या फौरन बताना है? रुक भी जाओ, फौरन भी कर लो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जान है तो तुम फौरन कर सकते हो। फौरन में कुछ भी निकल जाएगा भाई। जान नहीं है, स्टैमिना कम है, तो रुक के भी कर सकते हो। रुक के सही है, ठीक है भाई। इससे आपको ट्रेशन अच्छी मिलेगी। अगर आपका नाम शरबेल नहीं होता तो क्या होता? शकील सिद्दीकी। सीरियस? अगर आप पाकिस्तान में पैदा नहीं होते तो कहाँ होते? किसी मुसलमान वाले मुल्क में होता, सऊदीया में हो जाता। अगर आप लड़के नहीं होते तो क्या होते? तो मैं लड़के नहीं होंगे, क्या बात कर रही यार। अगर तुम लड़के नहीं होते तो क्या होते? लड़की होता, वैसी बात। अच्छा अच्छा, लड़की ही होते हैं पक्की बात, कुछ और तो नहीं होते ना। अगर मैं लड़की होता तेरा दिल करता? तो फिर उस वक्त सोचना पड़ता, तू पता नहीं कैसा होता और यही पहन के बैठा होता। हाँ, दिल करता कि आपसे बात करूं। अच्छा शरबेल, अगर आप इस वक्त मेरे साथ नहीं होते तो फिर कहाँ होते? किसी अच्छी जगह। कहाँ पे? यार किसी बड़े इंसान को इंटरव्यू दे रहा होता मैं। बड़े इंसान को? हाँ तो भाई सही बात है, हमें तो कुछ पूछते भी नहीं है। जो कैलिबर का होता। ओके भाई, मैं तो आपका कैलिबर का नहीं हूँ, सही बात। तू मेरे से ऊपर का है। मैं तेरे से ऊपर का? कैसे भाई, कैसे? तू, तेरे को लड़कियां तेरे पीछे भाग रही होती हैं, हमें भी लोग मिलो, हम तो लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं यार, सलाम का जवाब ही दे दो। अच्छा अच्छा सुनो शरबेल, तुम्हें तकरीबन बहुत सारा टाइम हो गया खुश रहा पाकिस्तान में, बहुत सारी लड़कियां आई चली गई, बहुत सारी फिर लड़कियां चली गई, कोई एक पसंद आई अभी तक? पसंद बहुत आई, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। सीरियस? खुश रहो पाकिस्तानी लड़कियां तुम्हें पसंद आई है? नाम बताऊंगी बहुत सारी। नहीं, नाम बताऊंगी मैं तो बता भी दूंगा भाई। बताओ नाम पे। ठीक है, आमना है, ठीक है, इजमा है, ठीक है, ईशा है, ठीक है, ठीक है, और मैं तो नीचे दूसरे गेम शो की भी है, शाताच है, ओके, ठीक है, और अल्लाह वाला करे कशफ है, ओके, मुझे बड़ा आदत है बड़े बड़े पंगे लेने की, ओके, और कौन था यार अपनी टीम में, और कौन है, दुआ है, ओके, अनिल का है, ओके, अल्लाह रहम करे सामने टीम में, और कौन है यार। अच्छा बात सुनो, अच्छा तुम्हें सारी लड़कियां पसंद है? ये तुम्हें सारी लड़कियां पसंद है? सारी पसंद। तुम इनको दिल से प्यार करते हो? मैम अपने आपको बर्बाद करना चाहता हूँ। अच्छा, इनमें से अगर शादी करने का मौका मिले तो किससे करो? किसी से नहीं। क्यों? देखो पसंद एक अलग चीज है okay. और लाइफ का बेड़ा कर करने का अलग चीज है okay. अच्छा लड़कों में कौन बुरा है खुश रहो पाकिस्तान में? सबसे बुरा लड़का जो तुम्हें जहर लगता है? मैं खुद, मैं अपने आप से मुतमईन नहीं। ये कैसा सियासत वाला जवाब है? सियासत वाला जवाब ही नहीं है, अपने आप से तो मुतमईन नहीं। अगर मैं बुरा हूं ना तो मुझे हर चीज बुरी लगेगी, मैं अच्छा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी लगेगी। अगर तुम, लेकिन तुम तो अच्छे इंसान हो यार। तुमने बुरे का पूछा भाई, बहुत चला गया। अच्छा शरबेल, ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तानी फिल्म से ऑफर आ जाए और साथ से ड्रामे से भी आ जाए, तो पहले आप फिल्म करोगे ड्रामा करोगे? ड्रामा करोगे ओके। अगर कोई लड़की आपके मुंह पर चमाट मार के चले गए बिला वजह के लिए, दिन मिला के, क्या करोगे उसके? मैं तो एंजॉय करूंगा, लड़की ने हाथ लगाया एंजॉय करोगे। अच्छा आप व्हाइट कलर का सूट पहनकर जा रहे हो, 50,000 रुपए का सूट है आपका, आप जा रहे हो किसी शादी के अंदर, व्हाइट सूट है और महंगे बूट आपने पहने हुए, चश्मा लगा हुआ है, और कोई बस के अंदर से पान की पिचकारी मार दे, क्या करोगे उस बंदे के? डिजाइन समझ लेंगे भाई, कुछ भी नहीं करोगे उसको? नहीं भाई, देखो वो तो निकल गया ना, बस जा रहा है भाई, बस रुकी। अच्छा, बस रुकी, हाँ। उसको बुलाऊंगा, देखो तुमने मुझे तो गंदा कर दिया, लेकिन इस शहर को साफ रखो, अगर ये मैं नहीं होता तो जमीन पे आता।
ओके मतलब आप उसको छोड़ दोगे यार, बड़ा तो बहादुर इंसान है, जमीन बच गई ना यार हमारे वतन। शरफ अली बताओ, लोग कहते हैं काला नाग काला नाग, ये काला नाग क्या मतलब? काला नाग, काला नाग किसको कहते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने सुना है काला नाग काला नाग। आपकी नजर में काला नाग कैसा होता है? काला नाग यार काला ही होता होगा, काला नाग होता है, अच्छा खासा होता है। कैसा होता है मतलब? हर साइज में होता है। ऐसा होता है, क्या होता है उसका? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कोई लड़की गुजरती ऐसा आ जाता है। तो ये कौन सा नाग है? काला नाग है ना। ये कौन सा नाग है भाई? इधर देख, ऐसा होता है, सही है। लड़की गुजरती ना ऐसा भाई। अबे नाग है यार वो, चैंपियंस में आया था तू देखी? अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी अच्छा वो काला नाग का वाले शो की बात, काला नाग ही था यार। अबे यार अच्छा, हमने सुना कि तुम्हें सिंगिंग आती रही, तुमने सुनाई नहीं है अभी तक, तुम्हें गाने वाने गाना आते हैं? आज कवाली की। ओके, कैसे लगी? वाह वाह जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सिंगिंग देखो मेरा पेशा है कॉमेडी। ओके ठीक है, वैसे तो बंदे का ऑल राउंडर होना चाहिए, सब आना चाहिए, लेकिन हमने कभी सिंगिंग की नहीं। वैसे मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा गाते, गुनगुनाहट अच्छा लगता है, गुनगुना के दिखाएं जरा, बताएं। जब कोई प्यार से बुलाएगा, और डांस भी कर रहा साथ साथ। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, ऐसे तो बेटा वो शख्स घर को आएगा। बहुत जबरदस्त भाई। अच्छा शरीफ अली ये बताएं, आप जिंदगी में और क्या कुछ करना चाहते हैं? वैसे तो आपने कुछ किया नहीं है अभी तक, क्या करना चाहते हैं और? यार जिंदगी में पता क्या है, इंसान सारी जिंदगी जीता खाली मरने के लिए। तो जिंदगी में कुछ करना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में किसी के लिए कुछ कर जाना बड़ी बात है। तो आपने कभी किसी के लिए कुछ किया? बहुत किया भाई। क्या किया भाई? नहीं वो तो फिर आप राज खोल लो ना। ओके, राज तो आपको अलग है, बीच में रहना चाहिए। ओके ओके, किया है भूल जाओ, ठीक करके भूल जाओ। अच्छा शरबिल, एक ना एक दिन आपकी शादी होगी? होगी, बिल्कुल होगी। और फिर शादी के बाद वो भी आप करेंगे जो हर कोई करता है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। वो क्या करेंगे? वो वलीमा? नो, एक दिन का गैप। नहीं थक जाते ना लोग? नहीं भाई गैप नहीं चाहिए। नहीं, नहीं यार नहीं चाहिए गैप। नहीं, गैप नहीं चाहिए यार। क्यों? अपने पे कॉन्फिडेंट हूं मैं भाई। लेकिन यार देखो बारात आज हो गई, अब पहले गैप भी तो जरूरी है ना। तू घर कराची नहीं होगा? हाँ तू कराची नहीं होगा क्या बारात के बाद? भाई तो मुझे छोड़ो, अपना बताओ। सही भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट भाई। अच्छा अगले दिन वलीमा? अगले दिन सही है। फिर वलीमे के बाद आप वो करेंगे जो हर कोई करता है? हाँ क्या? घूमें फिरेंगे। वाह वाह वाह। नहीं घूमने फिरने से पहले एक चीज और भी होती है, टिकट कराएंगे, दावत होती है, फिर दावत के बाद घूमना फिरना होता है। दावत तो मुझे किसी की नहीं खानी भाई। क्यों? मुझे दावत खानी ही नहीं है। क्यों नहीं खानी? मैं दावत खिलाने वालों में। वाह 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 वाह। अच्छा आपने एक बात बताओ, आपने टोपी क्यों लगाई हुई है? यार बस ये टोपी जो है ये हर कोई मुझे देते थे। ओके आज मैं अपने लिए आया। वाह 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 वाह। अच्छा चलिए एक बात बताएं, आप बाल काटते हो? हाँ। कहाँ के? बगल। जरूरी है भाई, मौलवी साहब मस्जिद में घुसने देते। चल भाई चल भाई, ना के आ तू। अबे मैं यहाँ के पूछ रहा हूँ, यहाँ को तो और कोई काटता है? तू मेरा पूछ रहा है, मैं अपना बता दिया भाई। अच्छा आप आज ये यार इतने बड़े शो में आए हो, ये फटे हुए कपड़े क्यों पहन के आए? इसी के रेटिंग है भाई। क्या पूछो आप बताएंगे? ये क्यों पहन के रहा है फटे हुए कपड़े? बताओ यार इससे बताओ। अच्छा इसमें और फाड़ दूं थोड़ा सा? फाड़ ले, फाड़। पक्की बात है? आप फैसल में फाड़ ले, सारी बारी है फाड़। अबे नहीं नहीं यार, नहीं नहीं आप पहने यार, सारी स्त्री खराब कर दी इन लोगों ने आज, इतनी मेहनत से की थी। अच्छा अच्छा शराब, आप लाइक जब आप छोटे से थे, आप स्कूल गए कभी? हां अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं तुझे मजे की बात बताऊं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, लोगों को यहां जाहिल लगता हूं मैं। तुम पढ़े लिखे हो? क्या किया हुआ है तुमने? मैंने बीकॉम किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस मीडिया साइंस किया हुआ है। ओके, चार साल का। ओके ठीक है, उसके बाद मैंने 10 साल डिग्री होल्डर हूँ फ्रॉम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक्टिंग राइटिंग एंड डायरेक्शन में। ओके ठीक है, आईटी किया हुआ है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज की भी है अमेरिकन। ठीक है ओके, मैं चाइल्ड बनकर, चाइल्ड बनकर बैठना जरूरी है क्योंकि जैसा माहौल मिलता है वैसे इंसान हो जाता है। ओके ठीक है, डू इन रोम एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भैंस। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे सारे जाहिल हैं क्या? कैसी बात कर रहे हो यार? सारे नहीं है, कुछ लोग हैं। अच्छा कौन है वो कुछ लोग? उनके सामने पढ़ी लिखी बातें करता हूँ। ओके जैसे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, और अभी मेरा इरादा मास्टर्स करने का। मास्टर्स यार मतलब तूने सब कुछ किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ किया हुआ है तूने भाई। मुझे 15 साल का थिएटर एक्सपीरियंस भी है। कैन यू स्पीक इंग्लिश बाय द वे? यस। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू। फिर उर्दू में बात करते हैं। अच्छा शरवन, कभी किसी लड़की पे दिल आया हो, कोई लड़की बहुत अच्छी लगी हो, बहुत प्यारी लगी हो, दिल चाहो कि यार बस ये मेरी सपनों की रानी बन जाए, सपनों की रानी, इसका राजा बन जाऊं? मेरी नेचर बताऊं क्या है, मैं कहता हूं कि लड़की वो हो जो घर के साथ साथ दुपट्टा संभालना जानती हो। ओके मतलब घरेलू लड़की आपको पसंद है? ठीक है ओके, ये घरेलू बात है। ठीक है देख, हमारा काम जो है ना शोबिस का, हम तो बाहर रहते हैं। ठीक है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है जैसे अगर मेरी कोई होगी तो उसको सबसे ज्यादा किसके साथ रहना है?
मेरी माँ बहनों के साथ okay. उनके साथ बनानी बात। अगर मैं फील्ड की लड़की से शादी करता हूँ, फील्ड की लड़की बुरी नहीं होती, अच्छी है। तो तुम ऐसे बनो ना कि बेगम तुम्हारे साथ ही रहे शादी के बाद। एक बात बता रहा हूँ, अगर फील्ड की लड़की से करूंगा तो भाई उनकी सोच ये है okay. हमारे जो लोग समझते होंगे शकील सिद्दीकी करके माहौल फेम वो है, 24 साल नहीं भाई okay. तो बहुत मिडिल क्लास है, बहुत नॉर्मल जैसी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की वैसी है, कभी आना घर अंदाज हो जाएगा। चल नहीं यार वैसे खैर मजाक तो अपनी जगह शराबेल, मैं रियली बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, और लाइक जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है तो बड़ी एक अच्छी लाइक वाइब आती है आपके पास से। मैं खुशी खुशी बिल्कुल जबरदस्त बेस्ट हो गया। अच्छा शरीफ, आपकी जो फैंस हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान में भी, उसके अलावा और भी दूसरी कंट्रीज के अंदर है, हमें कॉमेंट्स के जरिए पता चलता रहता है, तो जितने भी आपके फैंस हैं उन सबके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि भाई, एक मैसेज नहीं एक वो है कि मेरे वालिद साहब पे लिखा हुआ है कि भाई अगर नफरत करनी है तो नफरत से करो ताकि नफरत खत्म हो जाए। नफरत करनी तो नफरत से करो ताकि नफरत खत्म हो जाए। क्या बात है, बड़ा प्यारा मैसेज है। वेल शरबल थैंक यू सो मच, आप आए, आपने ऑडियंस को हंसाया, हमें हंसाया, बेहूदा बातें की, बदतमीजी की। मुंह के हिसाब से करनी पड़ती है बातें यार, मुंह के हिसाब से करनी पड़ती है। वेल अच्छा शरबल ईमानदार से, आपको मजा आया यहाँ पे आने के बाद? देखो यार यहाँ पैसे दो, यहाँ पैसे दो भाई, पैसे लेते हो तुम और क्या मजा आया ना तुम्हें फ्री में? अच्छा फ्री में मजे लेके जा रहे हो, हिसाब में लिख लेना। चलो ठीक है वाल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली दफा खुश रहो पाकिस्तान के किसी और कंटेस्टेंट के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे मजे मजे की गपशप लगाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।